अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खुश रहो और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी स्पीच बताने जा रही हूँ जो कि पाकिस्तान में बहुत ही पॉपुलर है। इस स्टिच को लोची स्टिच कहते हैं या लोची टाकर कहते हैं, लोची टूच भी कहते हैं। तो मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगी, इसके बाद इस पर ये टाका अप्लाई करूंगी। बहुत ही सिंपल और इजी टाका है, आप लोग बआसानी इस टाके को सीख सकते हैं और अपने शर्ट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने दुपट्टे पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने ट्राउज़र पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। गौर से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सुई इस धागे के दरमियान में से आपको निकालना है। ये मैं रेशमी धागा यूज़ कर रही हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर आप कॉटन थ्रेड यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी आपका काम हो जाएगा। आपने बहुत से टाके देखे होंगे लेकिन ये टाका शायद उन तमाम टाकों में सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। फिलहाल मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये अगर आप मुख्तलिफ कलर के धागों से बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और अगर आप एक ही कलर के धागे से बनाना चाहें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। कहते हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस उसको समझने के लिए और उसको करने के लिए या फिर उसको सीखने के लिए थोड़ा सा जोश व जज्बा होना ज़रूरी है आप में। अगर जोश व जज्बा होगा तो आप कोई भी काम, चाहे वो खा वो आसान हो या मुश्किल हो, आप उसको बआसानी सीख सकते हैं। एक छोटा सा हैंड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये वो जो टाका है इसको हम पाकिस्तान में ब्लोची टाका कहते हैं और ये बहुत ही प्यारा टाका है और यहाँ की औरतें इस पर बहुत ही ज़्यादा उबूर रखती हैं और इसके बनाए हुए जो डिज़ाइन होते हैं ब्लोची टाका के वो तकरीबन पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उम्मीद है आपको ये टाका पसंद आया होगा और मेरा ये काम भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।